हेलो एवरीवन, मैं हूं तुषार वशिष्ठ और आज मैं खड़ा हूं 2012 पुरानी ऑल्टो के सामने। आज कोई कार रिव्यू नहीं है, आज ना ही कोई ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हम, ना ही आज कोई इसके साथ ड्रैग रेस करने वाले, बल्कि आज ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग शायद कभी गाड़ी में ही नहीं बैठे या फिर उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है गाड़ी कैसे चलाई जाती है। तो आज मैं अपनी भांजी के साथ हूँ, इसको मैं गाड़ी चलाना सिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको भी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी चाबी के साथ। ऐसी कुछ चाबी होती है गाड़ी की, ये हमें गाड़ी में इंसर्ट करनी पड़ती है पहले गेट में कार को अनलॉक करने के लिए। ये बटन की भी हो सकती है जिन गाड़ियों में सेंट लॉकिंग आती है। ड्राइवर से हेलो। तो ऐसे की इंसर्ट करके कार अनलॉक होती है। इससे पहले कभी बैठी गाड़ी में? हाँ, इससे पहले तो बैठी। मतलब ड्राइविंग सीट पे? ड्राइविंग सीट पे बैठी कभी? नहीं। कितना पता है गाड़ी के बारे में? इतना ऐसे लाइट वाइट का इंजन इंजन क्या था थोड़ा बहुत। अच्छा, इससे क्या होता है स्टेयरिंग से? ऐसे तो गाड़ी इधर लेफ्ट राइट। ये क्या है? ये तो गियर है चेंज करने के लिए। ठीक है, और वो क्या है नीचे? तीनों चीजें बता। ये क्लच है, ये ब्रेक और ये एक्सेलरेटर। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी ऐसे याद रखना है। जब तक क्लच नहीं दबेगा इसको यूज नहीं करना है, बिना क्लच को दबाए इसे कभी यूज नहीं करना। ठीक है, चलो गाड़ी स्टार्ट कर। फर्स्ट टाइम है ना पक्का? हाँ। चल बस सिंगल सेल्फ, अब क्लच दबा। रुक जा, पहले बंद कर गाड़ी, क्लच दबा पूरा दबा, पूरा जब तक पूरा नहीं दबा, पूरा दबाना जब भी दबाना है, नहीं पैर आ रहा तो आगे कर ले, पूरा कर ले, पूरा दबना चाहिए पर हाँ। वरना इसको सीधा कर ले रिक्लाइन को। आ गई। अब गियर का पता है? पता है तुम्हें? पहला क्लच दबा के ही पहले देख, वन पहला गियर डाल। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ना नहीं डाल रहा, पूरा क्लच दबाना चाहिए तब डालेगा रिवर्स। ठीक है, अगर सिक्स छः गियर की गाड़ी होती तो इसमें पीछे रिवर्स की जगह सिक्स होता। ठीक है, ये न्यूट्रल है, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। पहला ऐसे, उसके नीचे दूसरा, सेंटर में ऊपर तीसरा, उसके नीचे चौथा, फिर ये पांचवा और ये रिवर्स। ठीक है, चल। पहले गियर में सबसे ज़्यादा टॉर्क होता है, मतलब जिससे खड़ी गाड़ी उठती है, और सबसे कम टॉर्क होता है छठे गियर में, सॉरी फिफ्थ गियर में, क्योंकि इसमें छठ में सटा है ही नहीं। और सबसे ज़्यादा स्पीड होती है फिफ्थ गियर में, सबसे कम स्पीड होती है पहले गियर में। सबसे ज़्यादा टॉर्क मतलब खड़ी गाड़ी को जो उठा देता है। चलो अब स्टार्ट कर, क्लच दबा, स्टीयरिंग सीधा रखियो, जब तक मैं कुछ नहीं बोलूँ कुछ करना नहीं है। ठीक है, पहला गियर डाल, उससे पहले न्यूट्रल कर, न्यूट्रल कर, न्यूट्रल कर, बेल्ट लगा। भी लगाई हुई है। चल पहला गियर, अब सिर्फ क्लच छोड़ और रेस पे जब तक मैं ना बोलूं पैर रखना ही नहीं है, ब्रेक पे पैर रख ले और दबाना नहीं है ब्रेक को। ठीक है, ब्रेक पे पैर है। चल अब हैंड ब्रेक हटा, छोड़ने को तो मैंने बोला ही नहीं था। चल अभी गाड़ी गियर में है, जब तक गाड़ी गियर में है क्लच दबा के स्टार्ट कर सकती है, न्यूट्रल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लच दबा, स्टार्ट कर, अब धीरे धीरे क्लच छोड़, धीरे धीरे आगे देख के धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, और जैसे ही सामने कुछ है सब कुछ भूल जाएगी और ब्रेक मारने हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल चल, बहुत बढ़िया, सच में पहली बार है। हाँ। चल चल अब रेस डाल, हल्की से हल्का सा एक्सेलरेटर दबा, ये वाला लेफ्ट वाला पैर कभी ब्रेक पर रखना नहीं है, वापस ले गया सिर्फ क्लच के लिए पैर है वो, अगर ऑटोमेटिक गाड़ी होगी तो उसको साइड में रख देना है। आप तो साइड में रख, पहले साइड में धीरे धीरे चल, चल हल्की सी एक्सीलेटर दबा, हल्का सा लेफ्ट वाला पैर क्लच पे रख पर दबाना नहीं है। हाँ, और इस थोड़ा एक्सीलेट कर गाड़ी को, और कर, चल ठीक है, चलती रहे ऐसी, चलती रहे, बहुत सही जा रही है, पहली बार के हिसाब से बहुत बढ़िया। अब जैसे पहले डाला था क्लच दबा के, दूसरा डाल रेस पे से पहले हटा पे राइट वाला, हाँ दूसरा डाल, नहीं डाला, अब डाला, छोड़ा क्लच, क्लच छोड़, स्पीड बहुत कम हो गई, क्लच दबा, दोबारा क्लच दबा, चल दोबारा स्टार्ट करो, नहीं न्यूट्रल है, नॉर्मल कर सकती है, पहला गियर डाल, क्लच छोड़,
बढ़िया ठीक है कोई बात नहीं चल। लेफ्ट ले हल्का सा बस, कभी भी लेफ्ट ले राइट ले या ब्रेक मारे तो एक बार शीशे जरूर देखने वाले, ठीक है? हाँ। ब्रेकर आ रहा है, कुछ करना नहीं है तुझे बस। वो तीन चार खंभे के साथ दिखाई दे रहे हैं, वहां पे जाके तुझे ब्रेक मारना है, ठीक है? रोकना है, रोकने के लिए क्लच दबा के रखियो फिर ब्रेक मारियो। तो तेज कर रही है, तेज कर रही है, धीरे ब्रेक रहेगा, एक्सीलरेटर डाल, लेफ्ट दबा किसी, लेफ्ट कर गाड़ी, हाँ थोड़ी सी लेफ्ट कर और लेफ्ट कर, चल इसे क्रॉस करके रोकियो, टर्न है, चलती रहे अभी और मोड़, और कस और मोड़, और सीधा कर सीधा कर सीधा कर सीधा कर, हाँ बहुत बढ़िया यार। तो मेरा टेस्ट तो नहीं रहा, मेरे को भी चलानी आती है तुम लोगों को। चल इस वाले खंबे को रोकनी है, क्लच दबा के रोकोगी तो इंजन बंद नहीं होगा, ठीक है? क्लच दबा ले पहले से, क्लच दबा ले अभी दबा ले, हाँ अब रोक यहाँ, ब्रेक मार, ब्रेक मार, ठीक है अब दोबारा स्टार्ट कर, मुझे स्टार्ट नहीं करनी है दोबारा गाड़ी, चल ऐसे नहीं, अब गाड़ी हमेशा पहले गियर में ही चलेगी। अच्छा। अब गाड़ी बंद हो गई, क्लच दबा के दोबारा स्टार्ट कर, पहला गियर डाल, क्लच छोड़, धीरे 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 धीरे, बहुत बहुत बढ़िया। अब हल्का सा एक्सीलेटर दे, हल्का सा एक्सीलेट कर, हल्का सा, हाँ ठीक है। अब थोड़ी सी स्पीड कांस्टेंट हो जाए ना, चलने लगे तो तुरंत दूसरा गियर डाल के और दोबारा क्लच छोड़ दियो, ठीक है? हल्का सा अभी नहीं, ठीक है चल कर, जब तुझे लगे, तुझे कॉन्फिडेंस फील हो, कॉन्फिडेंस लगे कि कर सकती है तब। क्लच दबा के किया ना, बहुत बढ़िया, क्लच छोड़ दे अब, हल्की सी बाइक वाले को जगह दे, रॉन्ग वे पे आ रहे हैं, भारत है ऐसी होता है। सही है यार, इसे इतना ट्रेंड स्टूडेंट मुझे मिला नहीं है आज तक। अगली बार से इसी वाली गाड़ी लेके आना, दिखा के लोग हैं, कुछ भी समझ नहीं आए ना, कभी भी कुछ समझ नहीं आए, बस ब्रेक मार दियो, गाड़ी इंजन बंद हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस ब्रेक मार दियो, किसी के लगनी नहीं चाहिए ब्रेक, पता है ना? हाँ। और राइट वाले पैर से मारना है, बीच वाला, क्लच दबा के उतार, क्लच दबा हल्का सा, झटका लगेगा, कोई बात नहीं, चलो दबा लिया था ना, नहीं लग रहा तेरे पैर नहीं आ रहे यार, तेरी एडी टच नहीं हो रही फ्लोर पे। कोई बात नहीं, क्लच दबा होगा ना तो कितना भी एक्सीलेटर देगी काम नहीं करेगा, इंजन काम नहीं करेगा, अगर क्लच दबा होगा तो। आ गई क्या कड़ी चलानी? तो फिर बका क्यों रही, तुम्हें स्लो थोड़ा स्लो चला, मुझे लग रहा कैमरे में विंड नॉइस आ रही होगी ना, बाइक वाले को छोड़ दियो। चल एक बार दोबारा करियो, जो ये क्रॉस होने के बाद जो ब्लू बोर्ड है वहां पे तुझे ब्रेक मारने है, ठीक है? मतलब गाड़ी रोकनी है और इंजन बंद नहीं होना चाहिए, ब्लू बोर्ड छोड़िए, जो पिलर आ रहा है ना पेड़ के बाद वाला, सेकंड वाला, इस पे यहाँ साइड में लगा, पहले लेफ्ट ले, लेफ्ट तूने शीशे में देख के लिया, नहीं देखा तूने, यहाँ रोकना है, क्लच दबा ले पहले, क्लच दबा ले, क्लच दबा पूरा दबा, ब्रेक दबा धीरे 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 धीरे, बैटर नाइस यार। चल पहला गियर अभी, पहला भूल जाती है, जब भी गाड़ी चलानी है पहले में चलानी है, फर्स्ट गियर, अब धीरे से क्लच छोड़, चल सही है यार, तूने पहले पहली बार चला रही है गाड़ी, अभी तक बंद नहीं करी है, जल्दी सीखेगी, चलो
वीडियो बनाते बनाते इसकी व्हाट्सएप वीडियो ना बन जाए तो वायरल हो रहे हैं हम दोनों। देखिए कैसे उल्टा आ रहा है। हाँ, स्पीड ब्रेकर पे क्लच तभी दबाना है जब तुझे लग रहा हो कि स्पीड बहुत कम हो चुकी है, और अगर तू स्लो करके निकालेगी ब्रेक सिर्फ ब्रेक से निकलेगी तो इंजन बंद हो जाएगा, या फिर गियर उसके बराबर हो, स्पीड कम है और गियर भी कम है तो बंद नहीं होगी, या स्पीड बिल्कुल कम चलेगी फर्स्ट गियर में तो गाड़ी बंद होगी। क्लच हम तभी दबाते हैं या तो गियर चेंज करना हो या फिर इंजन बंद ना करना हो, ठीक है, वरना झटके से बंद। एक बार वो करके देख ले, एक बार राइट में लगाइयो, सेकंड गियर में है और क्लच मत दबाइयो, ब्रेक दबाइयो सिर्फ, लेफ्ट ले और लेफ्ट ले थोड़ा सा, बिना क्लच दबाए ब्रेक मार के रोक, रोक ब्रेक दबा, आया समझ में? इंजन बंद हो गया। अगर ये क्लच दब रहा होता, क्लच अगर इसमें एंगेज्ड होता तो ये अब गाड़ी बंद नहीं होती। अब क्लच दबा के स्टार्ट कर सकती है, गियर फर्स्ट में है। चलो अब आगे से आपको यू टर्न लेना है, के सी जो लिखा हुआ है ले पाएगी? हाँ। नहीं हो तो वहीं रुक जाइए, ब्रेक मार दियो बस, ठीक है? चल चलानी आ रही थी, अब बिल्कुल स्लो कर ले, ब्रेक पे पैर रख, राइट वाला, राइट वाला, हाँ ठीक है, मोड़ना शुरू कर, मोड़ धीरे धीरे मोड़, हाँ ऐसे 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 हल्का सा रेस लगेगी क्योंकि गड्ढे वड्ढे हैं, हल्की सी रेस दे, हल्की सी, हाँ बहुत धीरे बहुत धीरे बहुत धीरे बहुत धीरे, सीधा कर सीधा कर सीधा कर, जल्दी जल्दी सीधा कर, बहुत बढ़िया यार, सीधा कर और सीधा कर। मतलब ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं ना, स्टार्टिंग में स्टेयरिंग पूरा मोड़ देते हैं और सीधा नहीं करते पूरा, उससे गाड़ी उधर लगती है। बहुत सही किया तूने। चल अब रेस देखे, जब जो लगे स्पीड मेंटेन हो गई है अपनी तो सेकंड डाल। अब धूल, एक मिनट हाँ, पहला गियर सिर्फ उठाने के लिए होता है, हम तो सिर्फ हम चल रहे हैं, चलना नहीं होता है इस पे, डाल दे सेकंड। ये तूने बहुत बड़ी गलती करी है अभी, तूने गियर चेंज किया और राइट साइड अपना राइट वाला पैर एक्सीलेटर से नहीं हटाया है। अच्छा, हाँ। वो जब भी तेरा ये एक्सीलेटर पे पैर तभी रखना है सिर्फ गाड़ी जब चलानी हो, गियर चेंजिंग के टाइम पे किसी भी टाइम पे पैर हटा के राइट पे ले अपना। जल्दी ऑफ कर ले जाएगी यार गाड़ी, सही में कहां से लेके आ रहा है वो गाड़ी, छोड़ दे इसे, मासूम है, चलती रह तू। तुझे लेफ्ट वाले टायर का आइडिया देता हूँ, अभी तेरी जो मिट्टी है ना सामने, इससे गाड़ी बहुत दूर चल रही है, थोड़ा लेफ्ट में ले और लेफ्ट में ले और ले, अब बिल्कुल बिल्कुल अभी चढ़ी है इस पर, जो यूनिट आ रहे हैं इस पर चढ़ रही है, इससे थोड़ा सा आइडिया होगा। चल एक बार थर्ड वाला गियर डाल के देख कितनी स्पीड काफी है, नीचे मत देखा क्या गियर डालते टाइम, थर्ड वाला सीधा डालना है। हाँ, सेंट न्यूट्रल कर, सेंटर में लेके आ, क्लच दबा, हाँ अभी ऊपर सीधा, हाँ अभी यही। अब रेस देख, इसमें ज़्यादा रेस स्पीड चाहिए होती है, कम से कम तीसरा गियर मतलब 30 की स्पीड, अगर 30 की स्पीड से नीचे जा रही है तो थर्ड गियर नहीं चाहिए, फिर सेकंड पे चलेगी, और तो स्लो कर ले दोबारा सेकंड पे ले आ, अभी नहीं, एक्सीलेटर से पलटा, तेज चल रही गाड़ी, गाड़ी तेज हो रही है बहुत, इसलिए ब्रेक लेते हैं ब्रेकर पे, झटका ना लगे। एक वापस कैसे लाते हैं गियर? ठीक है, अभी लेफ्ट में ले, हल्का सा हल्का धीरे धीरे लेफ्ट में ले, क्लच दबा, अब वही पहले दूसरा गियर कहाँ पे था, ऐसे कर, हाँ, हाँ वही कर दोबारा, आया नहीं, सेकंड गियर डाल, बस डल गया, ऐसे ही डालना है, ठीक है, गियर जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, चाहे तुम कोई से भी गियर पे रहो, आपको मतलब एक एक करके नहीं उतारने हैं, डायरेक्ट 5वें से पहले पे भी जा सकते हैं, ये बाइक में होता है कि पहला चौथा तीसरा करना है, आप डायरेक्ट 5 से 1 पे भी जा सकते हो, हल्का हल्का स्लो कर, हाँ अपनी लेन में रहियो, अपनी लेन में ही रह के तुझे राइट टर्न बाहर जा रही है, रोड से बाहर जा रही गाड़ी, हाँ अपनी लेन में इधर चल, गोल चक्कर पे कर लेगी क्या, नहीं, इसमें ज़्यादा गाड़ी है ना,
गोल चक्कर से पहले रोकी हो। बका के देख, क्लच दबा के ब्रेक दबा के स्लो कर, ब्रेकर पे फिर क्रॉस कर। हाँ, अब दोबारा क्लच दबा के स्टार्ट, पहला गियर डाल, पहला 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 क्लच दबा के चल, क्योंकि बिल्कुल स्लो हो गई थी। यही सब तुझे बहुत तेज करना है अगली बार। चल चल, थोड़ा रेस देके देख, बड़े वाले पेड़ पे रोक दियो, लेफ्ट साइड में पेड़ के नीचे घास पे ले जाके, ठीक है? गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, जहाँ पे इसकी शेडो है, गाड़ी बंद ना हो। रोको, क्लच दबाओ, बढ़िया, न्यूट्रल करो, बंद कर गाड़ी, हैंड ब्रेक ले, हैंड ब्रेक, बढ़िया, चल उधर गोल चक्कर में क्रॉस कर लो, फिर तो चलेगी। हूँ जा भाई, रुक जा, तुमको बैठने दे। हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक हटा, देख हैंड ब्रेक का एक सामने ना साइन भी आ रहा है, दवाई एक मिनट दिखाता हूँ, देख वो साइन है, जब तक वो आ रहा है मतलब हैंड ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है? हटा, अब हटा हैंड ब्रेक, देख चला गया, ठीक है? पहला गियर, क्लच छोड़ो, धीरे धीरे चलो, चलो चलो चलो, बस ठीक है। चल चलती रहे, अपनी लाइन पे चलती रहे, कोई कितना भी और अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद निकाल लेगा वो, जगह होगी तो। चल हल्का सा तेज करके अब सेकंड डाल सकती है। जब भी एम्बुलेंस देखे जगह दे देना, हमेशा देनी है। वैगनार दिख रही है, धीरे धीरे उसके पीछे रोक लियो, आज की क्लास में इतने इसको बाइक वाले को छोड़ के। हाँ, धीरे धीरे लेफ्ट में रोक लो, पहले से रोकना शुरू कर दो, गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, धीरे 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 रोक लो, ब्रेक मारो भाई, शाबाश, न्यूट्रल करो, पहले न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, बंद हो गई, कोई बात नहीं, न्यूट्रल कर, अब कर दे, न्यूट्रल करो, नहीं हुई न्यूट्रल, अब हुई न्यूट्रल, ऐसे चेक कर लिया कर, ये न्यूट्रल है, चलो गाड़ी चाबी बाहर निकालो, चलो। तो यही था आज की कुछ वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।